प्रयागराज माघ मेले पर मकर संक्रांति के मौके पर दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान श्रद्धालुओं की कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। काशी में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर स्नान किया। मकर संक्रांति की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। गोरखपुर में आज से खिचड़ी मेले की शुरुआत हो गई। सुबह 4 बजे सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाया। बाद में आम लोगों के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए। आज से शुरू होगा काशी के विकास का टेंट अध्याय। रेत वाले शहर में पर्यटकों की होगी एंट्री। दोपहर 2 बजे के बाद टेंट सिटी में पहुंचेगी टूरिस्ट की पहली खेप। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। साथ ही मायावती द्वारा लिखी गई ब्लू बुक भाग 18 का विमोचन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन की टीम जोशीमठ का करेगी दौरा। इस दौरान आपदा अपर सचिव, जियोलॉजिस्ट और केंद्रीय अधिकारी रहेंगे मौजूद। बहराइच में शॉर्ट सर्किट से बेकरी की दुकान में भड़की आग। दुकान में रखा सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। नगर कोतवाली इलाके की घटना। इटावा के नौरंगाबाद में पूर्व सभासद के घर पर दबंगों ने किया पथराव। हमले में पूर्व सभासद, उसके बेटे घायल। घर की महिलाओं ने हमले का वीडियो बनाकर किया वायरल। मुरादाबाद के मझौला इलाके में पति पत्नी की संदिग्ध मौत। पति की बॉडी घर के पंखे से लटकी मिली। पत्नी का शव बिस्तर पर मिला। पुलिस अधिकारी मामले की तफ्तीश में जुटे। बांदा में चलती कार के ऊपर बैठकर युवकों के हुड़दंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक रील बनाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रुड़की के कृष्णानगर में देर शाम हाई वोल्टेज आने से अचानक धमाका हुआ। दर्जनों से अधिक घर हाई वोल्टेज की चपेट में आ गए। आसपास के लोगों में दहशत। बाराबंकी में लाइसेंस रिन्यूअल करने के नाम पर फर्जी रिपोर्ट लगाने की घूस की बातचीत करने वाले फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई। जिलाधिकारी ने वीडियो का संज्ञान लिया। आरोपी फूड इंस्पेक्टर को हटा दिया गया। फिरोजाबाद में शराब के नशे में एक रिटायर्ड फौजी ने एक युवक को घर बुलाया। गोली मारी, फायरिंग में युवक बाल बाल बचा। पुलिस रिटायर्ड फौजी की तलाश में। लखनऊ में एक शख्स ने गोमती पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति आवास पर काम करता था युवक। बुलंदशहर में फर्नीचर व्यापारी और कॉन्ट्रैक्टर के घर पर सीबीआई की छापेमारी। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली रेड। सीबीआई के 7 से 8 अधिकारी वहां पर रहे मौजूद। उन्नाव में गल्ला व्यापारी से 70,000 की लूट। नशे में धुत दबंगों ने गल्ला व्यापारी से मारपीट की, छीने 70,000 रुपए। बांगरमऊ कोतवाली के सिरधरपुर चौराहे की घटना। पथराव और बमबाजी मामले में कानपुर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आगरा पुलिस ने 15,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। आरोपी अभियुक्त ने महिला से दुष्कर्म कर वीडियो बनाया था। अभियुक्त के खिलाफ कागारोल कमिश्नरेट में दर्ज था मुकदमा। मिल्कीपुर गांव में ट्रिपल मर्डर केस में वाराणसी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। बताया कि अवैध संबंधों की वजह से दामाद ने ही पत्नी समेत 3 की हत्या की थी। गाजियाबाद में युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसके बाद मामला दर्ज कर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में मऊ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों पर जादू टोना का डर दिखाकर बलात्कार का आरोप है। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। और अयम तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पुलिया से टकराई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। राहगीरों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फतेहपुर में 2 ट्रकों की आपस में हुई भिड़ंत। चालक परिचालक समेत 3 लोग हादसे में घायल। जिला अस्पताल में भर्ती। पार्क में अश्लील प्रैंक बनाकर वायरल करने वाले युवक को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही ऐसे युवक पर सख्त कार्रवाई की बात कही। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 10 दिन बाद भी बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे जेल से बाहर नहीं आ सकी है। अभी तक जमानत के लिए दाखिल किए गए दस्तावेजों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। फतेहपुर में धर्मांतरण के कथित मामले में आरोपों के घेरे में आए प्रयागराज के शुआट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। दूसरे अधिकारियों के नाम के सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप।
लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर जालौन के कई इलाकों से पुलिस ने पैदल मार्च यहां पर किया। एसपी राज राजा के नेतृत्व में पुलिस फोर्स के साथ शहर के प्रमुख चौराहों से पैदल मार्च किया गया। प्रतापगढ़ के बड़नपुर पैतृक गांव पहुंचा बीएसएफ के शहीद शिव बहादुर का शव। राजकीय सम्मान के साथ गांव में अंतिम यात्रा निकाली गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता बाराबंकी जिले के पूर्व भाजपा विधायक सुंदरलाल दीक्षित का शनिवार को हुआ निधन। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया में इलाज के लिए उनको भर्ती करवाया गया था। देवरिया में ताल किनारे ठंड से कांपता एक गिद्ध मिला। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया, उसे सौंपा। वन विभाग ने बताया कि गिद्ध का इलाज किया जा रहा है। बांदा में मकर संक्रांति के अवसर पर केन नदी किनारे लगा प्रेमियों का अनोखा मेला। प्रेमी की समाधि पर बने मंदिर में हर साल लगता है ये मेला। दूर दूर से मन्नत मांगने आते हैं प्रेमी। बाराबंकी पहुंचे सपा नेता शिपाली यादव ने योगी सरकार के बुलडोजर कल्चर को गलत बताया। कहा दोषी के रिश्तेदार पर घर के घरों पर बुलडोजर चलाना कहां तक सही है, उनका क्या दोष है। अखिलेश यादव ने शनिवार को रायबरेली दौरे की 10वीं पास लड़कियों के साथ की कुछ तस्वीरें ट्वीट की और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। बीस जनवरी को मेरठ में होटल ब्रावुरा में होगा मेरठ इन्वेस्टर्स समिट। औद्योगिक और मेरठ के प्रभारी मंत्री नंदगोपाल नंदी करेंगे समिट का उद्घाटन। 10,000 करोड़ के निवेश और करीब 60,000 नौकरियों के आने की संभावना जताई। देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने पैतृक गांव में मकर संक्रांति पर खिचड़ी सहभोज का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। औरैया में मकर संक्रांति के कार्यक्रम में शामिल हुए इटावा लोकसभा सांसद रामशंकर कठेरिया ने दिव्यांगों को जरूरी उपकरण बांटे। मुजफ्फरनगर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। टनकपुर शारदा घाट पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां गंगा की आरती उतारी, आशीर्वाद लिया, प्रदेश की खुशहाली और जोशीमठ आपदा को लेकर प्रार्थना की। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने छात्राओं को बांटे टैबलेट। अमरनाथ कॉलेज में 194 छात्राओं को टैबलेट का वितरण किया गया। टैबलेट पाकर छात्राओं के खिले चेहरे। अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। कहा प्रदेश का युवा बेरोजगार है, विकास के नाम पर सरकार ने कुछ नहीं किया। सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी ने जयसिंहपुर विधानसभा में किया संबोधन। अपने कार्यकाल में किए गए कामों के बारे में विस्तार से बताया। कहा विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केंद्र से 600 करोड़ की मंजूरी ली गई है। यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल तेजवीर सिंह विदुड़ी ने 26 जनवरी की परेड की तैयारी कर ली। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सॉन्ग। बागपत में 112 डायल पर तैनात हेड कांस्टेबल। महोबा में तकनीकी खराबी के चलते स्टेशन पर घंटों खड़ी रही बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन। ट्रेन में खराब हुई बोगी को हटाकर यात्रियों को दूसरी बोगी में शिफ्ट किया गया। आगरा के ताजगंज में मुगल पुलिया के पास आग का गोला बनी कार। लोगों ने कार से कूदकर जान बचा ली। धू धू करके जलती रही कार। अमेठी में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। हाईवे किनारे बेशकीमती जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को प्रशासन के बुलडोजर से गिरवाया गया। एसएचओ समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मेरठ में खुलेआम घूम रहे तेंदुए से लोगों में दहशत का माहौल। विभाग के अधिकारी तेंदुए को पकड़ने के लिए जगह जगह कर रहे हैं रेस्क्यू। शहर में टहलते हुए सीसीटीवी में दिखाई दिया तेंदुआ। औरैया में टोरेंट कंपनी की अंडरग्राउंड डाली गई गैस पाइपलाइन में लीकेज से हड़कंप। आग की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। पाइप लीकेज की जांच कर रही है कंपनी। आगरा में जल विभाग की लापरवाही से बर्बाद हो रहा लाखों लीटर पानी। जीवनी मंदिर स्थित खाटू श्याम मंदिर के पास 28 इंच की पानी की पाइपलाइन टूटने से बुधवार से बह रहा है पानी। सीतापुर में खेत में काम कर रहे किसान को दिखा तेंदुआ। किसानों ने तेंदुए का वीडियो बनाया। गन्ने के खेत में छुपा तेंदुआ, दहशत में ग्रामीण। ब्लॉक परसिंडी गांव का मामला। बस्ती के लालगंज में पुलिस ने गैंगस्टर मामले में 2 महीने से फरार चल रहे 25,000 के इनामी 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी।
मेरठ के किठौर में कार सवार बदमाशों ने लाखों की ठगी की, खुद को क्राइम ब्रांच पुलिस बताकर ज्वेलरी ज्वेलर से लूट की, वारदात से अधिकारियों में हड़कंप, आरोपियों की पकड़ के लिए की जा रही है कॉम्बिंग। बाराबंकी में अभियुक्त संजय सिंह सिंगला की अवैध संपत्ति को प्रशासन ने किया कुर्क, 11 करोड़ 12 लाख 54 हजार की संपत्ति पर चला बुलडोजर, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। अमरोहा की आबकारी पुलिस ने हसनपुर थाना क्षेत्र के जंगल में बनाई जा रही अवैध कच्ची शराब का खुलासा किया, 2000 किलो लहन 30 लीटर कच्ची शराब बरामद, दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा में पुलिस ने 10 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, रेलवे क्रॉसिंग कोलकाता के पास से पकड़ा गया आरोपी। प्रयागराज में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद लोगों का हंगामा, सड़क जाम किया, प्रदर्शन किया पुलिस अधिकारियों ने, लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने सरकार से किसान आयोग के गठन की मांग की, कहा इससे किसानों की उपज की कीमत 1.5 गुना तक बढ़ जाएगी। ईटा महोत्सव में मकर संक्रांति पर खिचड़ी भोज का किया गया आयोजन, इस मौके पर पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, लोगों ने बाजरे की खिचड़ी का लुफ्त उठाया। रुद्रपुर में शैल सांस्कृतिक समिति ने उत्तरायणी पर्व का किया आयोजन, कार्यक्रम में जिला जज प्रेम सिंह खिवाल ने शिरकत की, डीएम और एसएसपी भी रहे वहां पर मौजूद। रुड़की में जोशी मठ में आई आपदा के लिए किया गया यज्ञ, सूर्य मंत्रों द्वारा यज्ञ में दी गई 1008 आहुतियां, सूर्य नारायण भगवान से जोशी मठ के लिए कामना की गई। हरिद्वार में सिडकुल के रीजनल मैनेजर ने शराब पीकर जमकर काटा हंगामा, लोहड़ी के कार्यक्रम के दौरान लोगों से बदसलूकी की, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। बागेश्वर में वर्चुअली सीएम धामी ने मेले का शुभारंभ किया, सीएम धामी बोले धरती से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का बिगुल फूंका गया था। गंगोत्री में विधायक सुरेश चौहान ने माघ मेले का शुभारंभ किया, मेले में अगले 10 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक दिखाई देगी। आगरा के बटकेश्वर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, भोलेनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, देश में सुख शांति के लिए प्रार्थना की, यमुना नदी में नाव से भ्रमण किया। सोनभद्र में स्कूल की बस को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 6 से ज्यादा यात्री घायल, घायलों को अस्पताल में करवाया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।